आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश एड्रेस पे। हमारे सामने आप देख रहे हैं आयशर प्रो 3019। बहुत सारी इसकी ऑलरेडी वीडियो आई हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार बहुत सारे लोगों से आपकी बात करवाऊँ जो कि इस गाड़ी को ले रहे हैं और देख रहे हो। अब आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे अभी आयशर के शोरूम पर आया हूँ, यानी ये यहाँ से यार्ड है, यानी हम कह सकते हैं, ठीक है। और भैया हमारे साथ हैं जिन्होंने इस गाड़ी को लिया है, ये गाड़ी के ओनर हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश एड्रेस पे। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद सुफियान। अच्छा, तो सुफियान भैया, आप ये जो गाड़ी आपने ली है, ये क्या विचार मन में आया कि आपने इस गाड़ी को लेने का सोचा? ये है कि आयशर की मार्केट भी है और पिकअप भी अच्छा है, और इससे पहले भी हमारे पास आयशर थी, अब जो है ना इसकी पासिंग भी अच्छी है। ये मार्केट में पासिंग की कीमत है, क्योंकि ज्यादा लोड बढ़ने लगा मार्केट में, इसलिए गाड़ी हमें पसंद आई, इसलिए ली हमने। जी जी जी, ठीक है। तो GVW की अगर हम लोग बात करें तो वो है 18,500 इस गाड़ी का, बाकी पे लोड जो है वो 12 टन में गाड़ी जो है पास करती है जी, ठीक है। तो इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा ले रहे हैं जी। तो भैया और कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास आयशर की? आयशर की हमारे पे 11-10 है। हाँ जी, तो वो कैसी लग रही है चलाने में? गाड़ी भी अच्छी है, मतलब उसकी कितनी पासिंग है उसकी? उसकी अब 8 टन पासिंग है, इसलिए वो मार्केट में फेल हो गई पासिंग, क्योंकि ज़्यादातर अब भाड़े वजन के मिलने लगे, 9 टन 10 टन, तो इसलिए वो गाड़ी थोड़ा फेल हो गई, तो इसलिए पासिंग के हिसाब से बनाई हमने गाड़ी। अच्छा, तो अभी अभी जो गाड़ी है, मतलब वो इसी 12 टन तक में गाड़ी बनाने में फ़ायदा है, या कितने टन में गाड़ी बनाने में फ़ायदा है? बस ये है कि मार्केट में 8 टन 9 टन 10 टन के भाड़े हैं, 11 टन 12 टन ये तो एक्स्ट्रा नहीं चाहते, तो 9-10 टन का भाड़ा है, तो इसलिए गाड़ी हमारे तरीके से अच्छी लगी है। कितने की पड़ी हुई है गाड़ी ये? ये यानी हमें 25.5 लाख रुपए की पड़ी गाड़ी। 25.5 लाख की गाड़ी पड़ी है जी। अच्छा, और कितने फुटी है ये गाड़ी? है ये 22 फुटी गाड़ी है। 22 फुटी है जी, ठीक है। केबिन है स्लीपर इसका जी, स्लीपर केबिन है इसका जी। मैं आपको यहाँ साइड से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए स्लीपर केबिन है गाड़ी का, ठीक है। 22 फुटी गाड़ी है, और इसका पहले भी आप काफ़ी रिव्यू देख चुके हैं। तो भैया जैसे आप इस गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर चलाएंगे? ये हमारा अपना काम है जी, बरेली। बरेली में भैंस का चारा होता है ना, उसमें चलेगी गाड़ी। अच्छा, चारा को वो करोगे, ठीक है। और साथ में भैया भी हैं, भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, तो साजिद भैया आप भी साथ ही में रहते हैं गाड़ी के? चलाता हूँ। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं, तो कैसा लगता है, मतलब आपने और भी टाटा वगैरह और बाकी गाड़ी चलाई हैं जी, कैसा लग रहा है आपको ये आयशर वगैरह? आयशर की अच्छी गाड़ी है, बहुत कम्फर्टेबल है, स्लीपर केबिन है, चलाने में भी आरामदायक है बहुत, ठीक है। हर चीज़ में जो है बढ़िया है, पिकअप में जो है अच्छी है बहुत। अच्छा, इस वजह से बहुत अच्छी लगती है। ओके, ठीक है। तो बाकी जैसा कि कहते हैं कि यार एवरेज वगैरह कितना आपको लग रहा है कि कितना गाड़ी दे देगी? एवरेज निकाल दे जी, 6 का एवरेज निकाल दे। 6 का एवरेज निकाल देती है, चलो ठीक है। तो 6 का एवरेज गाड़ी जो है भैया बता रहे हैं देती है, ठीक है। और अगर हम लोग जो है थोड़ा सा अगर कमाई वगैरह की भैया बात करें, ठीक है भैया, तो अगर हम लोग थोड़ा सा कमाई की बात करें, तो कमाई वगैरह भैया कितनी रहती है ट्रक लाइन में? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं गाड़ी बनाऊं, या कई लोग जो है गाड़ी बनाते हैं तो उनको उतनी कमाई नहीं हो पाती, तो क्या लग रहा है भैया कैसे कमाई की जाएगी? भैया देखो जी, इनकी बड़ी, ये बड़ी गाड़ी है, इनकी किस्तें महंगी हैं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हमारा तो अपना काम, किस्त निकालना मुश्किल पड़ जाता है कई लोगों को। देखो जी, जो मार्केट के ऊपर गाड़ी बना रहा है वो तो ज़्यादातर मतलब फेल ही हो जाए, कम से कम एक तरफ से अपना काम हो तो यह है आदमी का थोड़ा सा इसमें कामयाब हो जाए, किस्त भर ले, क्योंकि ड्राइवर की भी सैलरी काफ़ी देनी पड़ती है, 57,000 रुपये करीब इसकी किस्त है, तो कम से कम डेली वेज 3,000 रुपये रोज का खर्चा है इन गाड़ी का, डेली का 3,000 का खर्चा है। तो और डेली की कितनी कमाई हो जानी चाहिए लगभग? देखो जी, तो 10,000 तो डेली कमाए गाड़ी जी, 10,000 रुपये अगर 1 लाख रुपये महीना भी कमा ले तो ये भी लोगों की नज़रों में जी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, क्योंकि मालिक जो ज्यादातर गाड़ी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उन्हें आखिर में बारदाना बच जाए गाड़ी, इसका फाइनेंस फाइनल करके गाड़ी बच जाए, तो लोगों की ज्यादातर सोच ये है कि गाड़ी बच गई, उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया, क्योंकि 10-12 लाख की कीमत की इनकी गाड़ी की कीमत रह जाती है 4-5 साल बाद भी, तो ये बस नफा समझो अगर ये बच गई गाड़ी तो जी, बस मेन बात ये है, ठीक है जी, इसी पे चलता है। हाँ, मेन बात यही है ना, ठीक है। तो ओवरऑल ये है, बाकी हमारे साथ जो है कंपनी की तरफ से हमारे साथ भैया हैं, भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? विकास चौधरी। विकास, तो विकास भैया जैसे कि आप कंपनी से हैं, आयशर मोटर से हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में आयशर जो है 3019 और 3018,
तो कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से बेस्ट है? बेस्ट 3019 है, इस टाइम नंबर 1 चल रही है। हाँ जी, थोड़ा सा ले रखी होगी। 3019 जी, 3019 ज़्यादा बेस्ट है। 3018 को न लेके 3019 लिया जाए। 3019 में 18 में ऑप्शन है, इसमें ओनली डीजल का ऑप्शन है। अच्छा, इसमें केवल डीजल डीजल का ऑप्शन है जी। उसमें तो डीजल का जो टैंक है कितने लीटर का है? 425 लीटर का है। 425 लीटर का यूरिया है। 1020 में टायर है गाड़ी के। अच्छा, 1020 में गाड़ी के टायर है। क्वालिटी ऐसी जी, बताइए। फर्श है? हाँ, ये वुड में है। अच्छा, ये वुड में है जी। अच्छा भाई, ना तो ये गलता है पानी से। हाँ। और ना इसमें कीड़ा लगता है, ना डीमक लगती है। अच्छा, मजबूती बहुत ज्यादा है, टफ मजबूती है इसकी। टफ है बहुत ज्यादा। तो यार ये चीज आपने बहुत बढ़िया बताई कि ये जो है वुड का है जी। ठीक है, बाकी आप लोग भी कमेंट करो यार कि क्या सही बात है। तो अच्छा, और बाकी हब वगैरह और ये जो चीजें हैं, ये सब सही है? बिल्कुल गाड़ी का, बिल्कुल। और इसमें डोमेंस का हुआ है। अच्छा, डोमेंस का है इसमें, ये लोहे से तो हल्का होता है और मजबूत है, मुझसे कई सौ गुना मजबूत होता है। मतलब स्टील के मुकाबले अगर देखें तो वैसा ही है कुछ। बहुत ज्यादा टफ मजबूत है। अच्छा, काफी मजबूत है। हाँ। भाई पीछे का जो लुक है वो गाड़ी का कुछ जी, 5 सेंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी लाइट्स वगैरह है इसी में, सारी चीजें हैं जी। बाकी गाड़ी का पीछे आपका ये स्टॉप बार है, ताकि जो है कोई गाड़ी के अंदर ना घुस जाए बाइक वाला जी, इसलिए है। अच्छा, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या रहता है ग्राउंड क्लियरेंस? चलो कोई बात नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस अगर नहीं पता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई इस तरफ से गाड़ी का जो है लुक कुछ ऐसा है, पूरे में आपको जो है कि ये आपको प्रोटेक्शन बार ये मिल जाता है जी। जो हमारी गाड़ी का साइलेंसर है ना, इंजन से ही नीचे लग के दे रखा है, तो गाड़ी का केबिन नहीं हीट करेगा बिल्कुल भी। अच्छा, तो यानी गाड़ी की जो मैटिंग हुई है, जो उसके अंदर की काम हुआ है केबिन का, उसमें हीट का कोई मतलब नहीं, हीट नहीं करेगी गाड़ी बिल्कुल भी अंदर केबिन। अच्छा, गाड़ी हीट नहीं करेगी? बिल्कुल हीट नहीं करेगी केबिन। अच्छा, चलो यार बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के देखो ये है भाई, उसमें गाड़ी में क्रूज कंट्रोल, फ्यूज, फ्यूल कोचिंग। हाँ, तो बाकी गाड़ी का अंदर का इंटीरियर जो है वो मैंने आपको बहुत बार दिखाया, वो आपने देख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी बहुत सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आता साथ में? सर कंपनी दे ही नहीं रही है। दे ही नहीं रही है, तो उसका रीज़न क्या है? मतलब म्यूजिक सिस्टम देना चाहिए ना, बड़ी गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम कम ही आता है। हाँ, ना वो इसमें स्पीकर देगी ना म्यूजिक सिस्टम देगी। अच्छा, ये अलग से लगवाना पड़ेगा? ये अलग से है, कस्टमर की नीड है तो लगा लेते हैं, बाकी कंपनी नहीं देती है। नहीं देती है। एसी वगैरह का इसमें? एसी अभी नहीं है इसमें, एसी नहीं है, तो आने वाले टाइम में एसी तो आ ही जाएगा। तो ये केवल बिना एसी में आता है? नॉन एसी में ही आता है, तो एसी आता ही नहीं है इसमें फिलहाल। ठीक है भाई, चलो। तो ये कुछ है, एसी गाड़ी है वो ऑर्डर पर आती है, अब 2024 से आएंगे एसी गाड़ी, जो नया नियम आया ना उससे 2024 आएगी। ठीक है, और ये जो टायर है ये कितने किलोमीटर चल जाते हैं? लगभग एक लाख किलोमीटर के करीब तो चले जाते होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 80,000 रुपये तो गाड़ी की सर्विस ही है। अब 80,000 रुपये गाड़ी की सर्विस आपको करानी है। और इसमें एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जैसे कई लोगों ने मुझे ना इसमें एक शिकायत करी है कि यार इसके जो लाइट है ना ये काफ़ी है, बम्पर में इधर जो दे दी है ना, तो इस पर मतलब जल्दी डैमेज हो जाते हैं अगर जरा सा भी लग गया ना कहीं। देखो, आप गाड़ी को ध्यान से नहीं चलाएगा तो डैमेज होनी होनी है, वो देख के चलाएगा क्यों ठुकेगी? बिल्कुल, वो बात तो है, लेकिन गाड़ी का जो जैसे बाकी टाटा वगैरह और इनमें आता है ना रिप्लेसमेंट, एक यहाँ पे लाइट वगैरह गाड़ी यहाँ पे दे देते लाइट का रिफ्लेक्शन कम रहते, फिर भी उन्हें नीचे लगवानी पड़ती है लाइट। वो तो है, हमने नीचे दी, हमारी का रिफ्लेक्शन तो अच्छा है, लाइट की वो बीम भी अच्छे हैं गाड़ी के, जो रिफ्लेक्ट मारती है गाड़ी की वो भी बढ़िया है। चलो, तो सामने से कंपनी ने आगे को दे रखा है सेफ्टी का, जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उसमें सेफ्टी के आगे से एक एल्बो बना के दे रखी है, गाड़ी टूट जाएगी तो वो अंदर तक उसे डैमेज नहीं होने देगी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो ये बाहर से तो फाइबर है लेकिन इसके ठीक पीछे लोहे का बहुत अच्छा फ्रेम है, ये बस ढक रखा है। हाँ, बस ये केवल ढक रखा है, शो पीस है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है, बाकी गाड़ी मजबूत है। ठीक है, हाँ जी भैया ने चाबी पकड़ ली है, गाड़ी की डिलीवरी हो गई है इनको जी। तो ये कुछ है ओवरऑल। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सभी जो है अपना ख्याल रखिए और गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए भाई।